अस्सलाम वालेकुम मेहरबान, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे सनी डे है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, कड़कती धड़कती धूप हो रही थी। और समर वेकेशंस के लिए जो है मैं चली गई थी अपनी बहन के पास। एज़ यूजली मैं उधर ही जाती हूँ जब भी समर वेकेशंस स्टार्ट होते हैं बच्चों के। जब अम्मी थी तब ये लोग अम्मी के पास आती थी, मगर मुझे जो है ये मौका नहीं मिल सका, तो ये कि मैं अपने बहन भाइयों के पास जाती हूँ। जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, जब हम लोग आते हैं समर वेकेशंस में या इस तरह की छुट्टियों में तो प्लानिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं पहले से अपनी भांजियों से बोल चुकी थी कि जब मैं आऊँगी ना तो हम लोग मोमोज़ बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने मोमोज़ नहीं खाए थे। मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है मगर घर के। तो यहाँ पर जो है टमाटर रख दिए थे उबालने के लिए, और उसकी चटनी बनानी थी, मोमोज़ की जो चटनी होती है, और स्टीम के लिए पानी भी हमने पहले ही रख दिया था। यहाँ पर जो है आयशा ने चिकन के अंदर इसने क्या किया था, हरी मिर्ची लहसुन वगैरह इंग्रेडिएंट्स साइड में रख देगा, नमक, नमक, काली मिर्च, रेड पाउडर, चिली पाउडर और ये चिली फ्लेक्स। और नो इंग्रेडिएंट पता वाली हमारी शेफ है ये। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑफ, नहीं वहाँ 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, आस्टर सॉस, मॉन्स्टर सॉस एंड चिली सॉस। पुट सम, डाल देना यार। अच्छा जी, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करे हैं, थोड़ा सा मैंने तफरी के लिए ये रिकॉर्ड कर लिया था। तो नमक यूज़ किया है, थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए, चिली पाउडर ऐड किया है यहाँ पे, और सोया सॉस ऐड किया है, विनेगर ऐड किया था, और साथ में जो है चिली सॉस भी ऐड किया था। ये सब थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करे थे। उसके बाद डो यहाँ पे अच्छे से गूंद ली थी। डो को जो है फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, बस नॉर्मल डो होनी चाहिए हमारी। और थोड़ा सा ऑयल लगा के ना उसको हम फिर रख देंगे, उसको रेस्ट देंगे, यानी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो सही से बिलेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हूरब ने क्ले से बनाया था, साथ साथ में जो है बच्चे अपना थोड़ा सा, बच्चों को मैंने मसरूफ़ कर दिया था तो उस तरह से क्ले से बना रहे थे, तो बहुत प्यारा उसने बियर बनाया था, मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूं। और अब यहाँ पर जो है आयशा बनाने जा रही है, क्या नाम है इसका, साथ में जो हम साथ में सॉस खाते हैं, जो चटनी होती है इसकी मोमोज़ की, वो बना रही हैं। अच्छा, बच्चियाँ जो है ना बहुत माशाल्लाह से जो है, मदीसी ख़ुद कुकिंग करती है, मेरी बड़ी सिस्टर ख़ुद कुकिंग करती है, बट समटाइम्स बच्चियाँ शौक़ शौक़ में करती हैं, बहुत ही टेस्टी करती है, मतलब जो भी बनाती है ना दिल से बनाती है और बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसने चॉप कर लिया था गार्लिक, गार्लिक को बहुत ही थोड़े से ऑयल में उसने सौते किया। मुझसे कहने लगी रबी आंटी बहुत थोड़ा सा तेल डालेगा, तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाल दिया था, फिर बाद में इसने और थोड़ा ऐड किया था क्योंकि गार्लिक इतने से तेल में नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा और इसमें ऐड किया था ऑयल। उसके बाद जो है वो गार्लिक को हमें हल्का सा खाली खुशबू लेकर आनी है, उसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हमने सौते कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड कर रही थी, क्योंकि ये हमेशा जो है वो आयशा ही बनाती है इस तरह की चीज़ें, उसको शौक़ है बहुत, जैसे कम कुकिंग करती है बट ये है इस तरह की क्रिएटिविटी जो है ना वो उसको शौक़ है इस तरह की चीज़ों का। तो अब साथ साथ स्पाइसेस डालते जाएंगे इसमें, थोड़ा सा इसने जो है वो चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर डाला है इसमें, थोड़ा जर्दे का रंग भी इसमें ऐड करेगी वो, और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्चें ऐड करनी है। साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी इसमें अब काली मिर्चें ऐड करी हैं, बहुत ही लो फ्लेम पर जो है वो मैं हिलाती जा रही थी। तो मैं इसे भी कह रही थी कि थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बट वो कहती थी नहीं नहीं इसी तरह बनेगा, और वाकई में बहुत टेस्टी बना था। और इसमें अब इसने जर्दे का रंग ऐड किया है। अब जर्दे का रंग ऐड करने के बाद फौरन ही हमने जो टमाटर बॉईल किए थे ना उसकी हमने इस तरह से पेस्ट बना लेनी है, और उसके बाद उसको पूरा ऐड कर लेंगे, और इसको हमने अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको कम लगती है फिर वो आप इसमें ऐड कर दें, अगर नमक कम लगता है नमक ऐड कर दें, मिर्ची कम लगती है मिर्ची ऐड कर दें। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था, उसी ब्लेंडर के अंदर थोड़ा पानी ऐड करके जो है वो हमने डाल दिया, ताकि जो है वो उसका गाढ़ापन थोड़ा सा पतला हो जाए और पक जाए, होता तो ये गाढ़ा ही है। और इसमें थोड़ा सा हमने जो है वो चिली सॉस डाला है और सोया सॉस डाला है, ये दोनों चीज़ें इसमें डालेंगी, सिरका आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, बस ये डालने के बाद आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कुछ कम है तो फिर इसमें और आप ऐड कर दें।
अच्छा, तो उसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है। इस तरह से हमने डोस की रेडी कर ली है और यहाँ पर जो है हमारे चिकन का भी रेडी हो गया है। हमने एक पेड़ा बना लेना है और खुश्की इसमें बहुत ज़्यादा कम लगेगा। ये खुश्का जो होता है, खुश्का जो आप कहते हैं इसको, तो ये जो आटा है ना, खुश्क आटा, ये इसमें कम लगेगा। बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमने एक दफ़ा इसको लगा लिया है और उसके बाद हम इसको बड़ी सी और पतली सी रोटी बेल लेंगे। इसकी बहुत मोटी नहीं करनी है, अगर मोटा बेलेंगे तो फिर वो खाने में सिर्फ जो है वो आटा आटा आएगा आपके और मज़े का नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अगर आपको नीड है खुश्क आटे की तो फिर वो आप और लगाएं। बस आपने ये देखना है कि इसकी पतली डो आपने बना लेनी है। और जब आप डो बना लें उसके बाद आपने सिंपली इस तरह से कप लेना है या किसी भी गोल चीज़ से आप इसका शेप कट कर लें। उसके बाद इसके बीच में फिलिंग करें और जिस शेप में आप बनाना चाहें, टेढ़ा मेढ़ा और जैसा बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं, कोई आपको नहीं देख रहा। तो यहाँ पे बस पेट में ही जाना था तो मैंने बोला बस आयशा बना दो, जैसे तैसे कोई मैं इसमें मार्क्स नहीं दूंगी तुम्हें। लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे आयशा जो है वो अच्छे से फिलिंग कर रही थी और उसके बाद इस तरह से इसने इसको पैक कर दिया, क्योंकि हम जो है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बेल रहे थे। तो कह रही थी भाई सही सही बेलें आप लोग। उसके बाद इस तरह से इसने फॉक्स से जो है ना इसको कवर कर लिया था। वैसे तो आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, बट हमें ये ज़्यादा इजी लग रहा था क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने थे, काफ़ी सारे लोग थे और मोमोज तो ऐसी चीज़ है जितना खाओ ना पता ही नहीं चलता। तो बस इसने इस तरह से पैक कर लिया था और अब हमें स्टीम देनी है इसको। तो अब हम स्टीम के लिए रख देंगे, पानी तो हमने शुरू में ही रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वीडियो के लिए इसने बोला रबी इंडी अच्छे से बनाएंगे हम। तो फिर उसके बाद जो है हमने फिलिंग कर ली थी और उसके बाद अच्छे खूबसूरत गोल बना के और फिर उसके अंदर हमने चीज़ ऐड करा था। ये कोने वाले को सर्दी लग गई थी बट टेस्ट में बहुत मज़े के थे। चीज़ हमने ऐड किया मगर कुछ इतना खास चीज़ का फ्लेवर नहीं आ रहा था, बस मोमो का फ्लेवर तो चटनी से इतना डिलीशियस आ रहा था। तो ये बहुत खूबसूरत से बना के रखे थे और अब ये रेडी हो गए थे। तो रेडी होने के बाद हम इसको निकाल रहे थे, स्टीम हो गए थे क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे इसलिए हमने एक के ऊपर एक रखे थे मोमो, तो बस अकड़ गए थे सारे मोमो। क्योंकि जब माशाल्लाह से लोग ज़्यादा हो ना तो फिर ये होता है कि हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी को टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो हमने बोला कि भाई इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोगों में इतना से तो पता ही नहीं चलेगा, तो बस रख दो एक के ऊपर एक। तो ये है कि पेट में तो जाना है, टेस्ट तो खैर वही है। असल जो मोमो का टेस्ट होता है ना वो उसकी चटनी होती है, यानी कि जो उसके साथ साथ में सॉस आता है ना, बस उसकी चटनी का जो फ्लेवर होता है ना असल वो होता है। मोमो का क्या है, वो तो मैदे की फिलिंग होती है, बस अंदर चिकन डाल दें आप, सब्ज़ी डाल दें, ये चटनी बहुत टेस्टी बनी थी यार, बहुत मज़े की चटपटी स्पाइसी सी बनी थी। उसके ऊपर हमने इस तरह से डाला था और खाया था और मोहम्मद उस्मान ने तो इतना ज़्यादा खा लिया था माशाल्लाह से, उसको तो बहुत पसंद है, चटनी से डुबो के खा रहा था। दूसरे दिन उसको जो है वो मोशन लग गए थे तो फिर मुझे उसे दवा देनी पड़ी थी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात करना है, बच्चों को कम देना है। अच्छा, नेक्स्ट डे जो है वो रात में बहुत मूड हो रहा था मेरा शेक पीने का, तो यहाँ जो है अरीबा ने मुझे शेक बना के दिया था। मैं पहले आम बिल्कुल भी नहीं खाती थी बट अब जो है वो भूख लग रही थी, रात में क्रेविंग हो रही थी, तो उसने शेक दिया था और मैंने थोड़ा सा मक्खन डबल रोटी लगाकर वो एंजॉय किया था रात में, बहुत टेस्टी लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि ये क्या चीज़ है, तो ये क्ले है, बच्चों का जो क्ले आर्ट होता है ये वो है और इजीली मिल जाता है, बहुत ही कोई सस्ती सी ही चीज़ है, आप इसको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा 120 या 200 रुपए के अंदर अंदर। तो इससे बच्चे जो है ना डिफरेंट तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखिए मोहम्मद उस्मान ने बनाया था और ये जो है वो हूरब उस्मान ने ही चीज़ें बनाई थी और बहुत प्यारी बनाई थी, ये भी हूरब ने उसी क्ले से बनाया था। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, रात में जो है ना हमने मूवी भी देखी थी, तो यहाँ पे हमने देखी थी वर्ल्ड वॉर जी, तो यहाँ पर थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो गई थी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।